मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वे के तौर पर और तौर तरीकों को लेकर निर्देश जारी करेगा। ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे करने वाली टीम के सदस्यों के नाम, सर्वे कब होगा और सर्वे की फोटो और वीडियोग्राफी कैसे होगी, इस पर निर्देश दिए जाएंगे। जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद जो है वो 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है तो बाकी बचे 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी जमीन जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की है और मस्जिद में सनातन धर्म के प्रतीक होने का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इस दावे से इनकार कर रहा है। इस जमीन का कमीशन सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की तरह होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट सिविल वाद की पोषणीयता की आपत्ति को लेकर दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई करेगा। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज कमिश्नर सर्वे की रूपरेखा पर सुनवाई होगी। रूपरेखा तय की जाएगी, सर्वे को लेकर हाईकोर्ट तय करेगा आगे के लिए दशा दिशा। और साथ ही साथ 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है और शाही ईदगाह कमेटी की याचिका जो है वो फिलहाल के लिए खारिज कर दी गई थी। 12 अक्टूबर 1968 को समझौता किया गया था, मंदिर संस्थान और मस्जिद ट्रस्ट में समझौता हुआ था। क्या हुआ था समझौता वो हम आपको बता रहे। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर सहमति